नमस्कार। अपने मैथ का टॉपिक पढ़ा था कक्षा 10 में, द्विघात। द्विघात बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस और ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी सारे रियल नंबर होते हैं एंड ए इज नॉट इक्वल ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको अपने करेंगे। अपने इनके मतलब इनके जो जीरोज होते हैं उनके इक्वेशन रिलेशन बिटवीन शून्यांकों के मध्य संबंध। सबसे पहला संबंध था तीनों शून्यांक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होते हैं माइनस बी अपॉन ए। हाईएस्ट पावर तीन है यानी डिग्री तीन है इसकी घात यानी इसकी तीन है तो इसके शून्यांक भी कितने होंगे तीन होंगे। तो तीनों शून्यांक मैंने ले लिए अल्फा बीटा और गामा इन तीनों का योग यानी इनका सम किसके इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। और अगर अपने इनका गुणा गुणा करें अल्फा प्लस बीटा बीटा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा ये होगा सी अपॉन ए। एक एक पहले दो गुणांक शून्यांकों के मध्य गुणनफल है फिर दूसरे और तीसरे के मध्य गुणनफल है फिर तीसरे और पहले के मध्य गुणनफल है इसकी वैल्यू जो आएगी वो c अपॉन a के इक्वल आएगी। अब आता है अगर अपने तीनों शून्यांकों का गुणा करते हैं अल्फा बीटा और गामा का तो ये आएगा b अपॉन a माइनस में माइनस d अपॉन a के इक्वल आएगा। ये आपका रिलेशन बिटवीन जीरो था यानी शून्यांकों के मध्य संबंध। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर तीन एक्स क्यूब माइनस पाँच एक्स के माइनस ग्यारह एक्स माइनस तीन के शून्यांक तीन कॉमा माइनस एक और माइनस एक बटा तीन इसके पश्चात शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच की। सबसे पहले तो इसने एक बहुपद दिया हुआ है त्रिघात पॉलिनोमियल आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स इक्वल थ्री एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस थ्री। अब उसके बाद जीरोस दिए हुए हैं इसके थ्री कोमा माइनस वन कोमा माइनस वन अपॉन थ्री यानी ये आपका अल्फा है ये आपका बीटा है और ये आपका गामा है। ये वैल्यू आपको गिवन है। सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि ये जो वैल्यूज गिवन है ये इसके जीरोस हैं या नहीं, पहली जांच ये करनी है। तो इसके लिए जीरोस का मीनिंग होता है कि अगर एक्स की कोई वैल्यू अपने इस पॉलिनोमियल में पुट करें और वो वैल्यू पुट करने पे ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाए जीरो हो जाए तो वो उसका जीरो होगा। तो अपने ये पहले फर्स्ट स्टेप में थ्री पुट करेंगे ये पूरी इक्वेशन में फिर माइनस वन पुट करके देखेंगे फिर माइनस वन अपॉन थ्री पुट करके देखेंगे। तो पहले अपने वैल्यू निकालेंगे तीन एक्स की जगह मैं थ्री पुट कर रहा हूँ तो जहां जहां एक्स है वहां वहां थ्री पुट कर दो तो थ्री इंटू थ्री क्यूब ट्वेंटी सेवन माइनस फाइव इंटू नाइन माइनस इलेवन थ्री या थर्टी थ्री माइनस ये हो जाएगा एट्टी वन फोर्टी फाइव माइनस थर्टी थ्री एंड माइनस थ्री। अब ये तीन बीट माइनस की हैं और ये एक अकेली प्लस की तो माइनस माइनस वाले प्लस हो जाएंगे तीन और तीन छः और पाँच ग्यारह तीन और चार सात एक ग्यारह की कैरी थी आंसर थी एट्टी वन ये प्लस का एटी वन और ये माइनस का एटी वन कैंसल थ्री थ्री इक्वल क्या आ गया
जीरो आता है, इसका मतलब जो तीन है वो इसका एक शून्यांक है। अब अपने चेक करेंगे माइनस वन, तो पी माइनस वन जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस वन पुट कर देंगे। तो माइनस वन का क्यूब, वन का स्केयर, माइनस वन का स्केयर प्लस होता है, और प्लस वन को फिर माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वन हो जाएगा। माइनस फाइव इंटू माइनस वन का स्केयर प्लस वन होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का ग्यारह, माइनस का तीन, ये माइनस का तीन, माइनस का पाँच, प्लस का ग्यारह, माइनस का तीन, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तीन और तीन छः और पाँच ग्यारह, माइनस के ग्यारह और प्लस के ग्यारह, ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया जीरो, पी माइनस वन। तो माइनस वन भी इसका एक क्या हो गया, शून्यांक हो गया। अब अपने चेक करना है पी माइनस वन अपॉन थ्री पे जीरो है या नहीं है। तो सबसे पहले वैल्यू पुट करके देखेंगे, थ्री इंटू माइनस वन अपॉन थ्री का क्यूब, माइनस फाइव इंटू माइनस वन अपॉन थ्री का स्क्वायर, माइनस इलेवन इंटू माइनस वन अपॉन थ्री एंड माइनस थ्री। तो ये हो जाएगा आपका थ्री का क्यूब 27 होता है, माइनस वन अपॉन 27 मल्टीप्लाई में है ये, माइनस फाइव इंटू थ्री का स्केयर 9, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 9, माइनस ये माइनस हो रही, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 11 बन जाए 11 अपॉन 3, तो ये माइनस में 3, 3 से कैंसिल करो 9, एक का एक से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक बटा 9, माइनस 5 इंटू 1, माइनस 5 अपॉन 9, प्लस 11 बटे 3 और माइनस का 3, इसके कोण में 1 लगा दो। अब इनका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम आएगा 9, 9 से 9 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 9 का 9 से भाग किया 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, प्लस 3 को 9 से भाग दिया 3, 3 का 11 से गुणा 33, 1 का 9 से भाग 9, 9 का 3 से गुणा 27, माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 33 प्लस 33 बटा में 9, ये दोनों कट गए, प्लस माइनस बनेगा 9 बटा 0 बराबर 0। तो P की वैल्यू माइनस 1 बटा 3 के लिए भी क्या है, शून्य है। इसका मतलब ये जो वैल्यू गिवन थी अपने को 3 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस 1 बटा 3, ये इसके जीरो हैं। अब वो कहता है कि आपको इस पॉलिनोमियल के लिए इसके गुणांकों व शून्यांकों के मध्य संबंध स्थापित करना है। तो शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध, सबसे पहला संबंध आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी अपॉन टी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी अपॉन टी। अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू माइनस 1, गामा की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल बी। बी होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहां से कंपैरिजन करेंगे इसका, ए होता है एक्स क्यूब का मल्टीप्लीकेशन में जो है, बी जो होता है वो एक्स स्क्वायर के गुणा में होगा, सी एक्स के गुणा में और डी विदाउट एक्स। तो माइनस बी, एक माइनस यहाँ लगेगा पहले क्योंकि ये फॉर्मूला में है। बी की वैल्यू देखो माइनस फाइव, तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस फाइव अपॉन ए, ए की वैल्यू है आपकी 3, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, ये प्लस हो गया, तो ये 5 बटा 3। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, इन तीनों के दोनों के अपॉन में 1 आ जाएगा, एलसीएम आएगा 3, तो 3 का 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का 3 में भाग देंगे 3, 3 का 3 से गुणा 9, 1 का फिर 3 में भाग 1, 1 इंटू 1, 1 माइनस 3 का 3 में भाग, सॉरी 1 का 3 में भाग 3, 3 का 1 से गुणा 3, और 3 का भाग 3 में 1, 1 का गुणा 1 से 1, तो बराबर में है 5 बटा
तीन, ये दोनों प्लस माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, ये प्लस का है 9 माइनस 4 अपॉन 3 बराबर है 5/3, तो ये 5/3 बराबर 5/3, ये आपका फर्स्ट रिलेशन शून्यांकों का योग वाला सत्यापित हो गया। दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल वाला, अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा इक्वल है सी अपॉन ए के, अल्फा 3 है बीटा है -1 प्लस बीटा -1 और गामा है -1/3 प्लस -1/3 गुणा में 3 बराबर सी की वैल्यू है आपकी -11 और ए की वैल्यू है आपकी 3, इनका मल्टीप्लाई करेंगे -3 माइनस माइनस प्लस 1/3, ये 3 से ये 3 कट जाएगा प्लस माइनस -1 बराबर -11/3, इसके अपॉन में 1 इसके अपॉन में 1, एलसीएम आएगा 3, 1 को 3, 3 को 1 से डिवाइड किया 3, 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस का 1 माइनस 1, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3, तो ये माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे 9 और 3 12 और प्लस का 1 माइनस की डिजिट बड़ी है तो माइनस का आंसर आएगा और ये दोनों, ये आपका दूसरा रिलेशन। थर्ड रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल -D/A, अल्फा की वैल्यू 3 इंटू -1 इंटू -1/3, माइनस पहले आएगा डी की वैल्यू है आपकी -3 और ए की वैल्यू है आपकी 3, माइनस का माइनस इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 3 का 3 से ये कैंसिल हो गया 1, तो ये +1 इक्वल +1, तो ये था आपका रिलेशन बिटवीन कोफिशेंट एंड जीरोज फॉर क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो पहले अपने इनके जीरोज को चेक करना है कि जो वैल्यू गिवन है वो इसके जीरोज हैं भी या नहीं, उसके बाद इनके रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का को चेक किया वो इक्वल आ गए, तो ये इसी के रिलेशन फाइंड हो गए। फिर अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा के बीच में जो रिलेशन था वो चेक किया वो भी सत्यापित हो गया, फिर अल्फा बीटा और गामा तीनों के मल्टीप्लाई के लिए जो रिलेशन था वो भी सत्यापित हो गया।